सुरेश ठाकुर। हाँ तो मैं विसीम ठाक बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो क्या हुआ कि 6:30 बजे जो है भाभी की डिलीवरी होती है और भाभी की कुछ पेन हाई होने की वजह से उसको रेफर किया गया जम्मू मेडिकल हॉस्पिटल के लिए। तो इनको हमने शाम को बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, भाभी की जो है क्रिटिकल कंडीशन है और उनको यहाँ से रेफ़र किया जा रहा है। तो हम सुबह तक बेबी को यहाँ पे रखेंगे और सुबह हम उसको घर के लिए या कहीं के लिए ले लेंगे, क्योंकि उनकी कंडीशन जो थी बहुत नाजुक थी। वो आपको डॉक्टर सर भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो इन्होंने अभी अचानक हमें रात के बज चुके हैं 11:30-12 बज चुके और इन्होंने हमें अचानक बताया कि आप अभी इस बच्चे को यहाँ से उठा लीजिए। तो हमें ना इधर कोई ठिकाना है, ना भी कोई यहाँ पे रूम है, ना भी कोई कुछ है। अगर कुछ भी इस बच्चे को गलती से हुआ तो उसका जिम्मेवार यहाँ पे वार्ड नंबर 1 पे बैठे हुए इमरजेंसी के पीछे वाले रूम पे बैठे हुए, जिन्होंने इस बच्चे को, इतने से मासूम बच्चे को अभी बाहर निकाला। सबसे पहले एक इंसान के अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए। अगर इंसानियत, इन्होंने बताया कि इसका कोई एडमिट कार्ड नहीं है। कहने का मतलब है अगर एक इंसान की जान जा रही है और एक डॉक्टर बता रहे हैं कि इनका एडमिट कार्ड नहीं है। अब इंसान इस दुनिया में इंसान है, इंसान की वैल्यू है कि एडमिट कार्ड की वैल्यू है? सबसे पहले हमें कंडीशन को समझना चाहिए था, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। इधर आप दिखाइए, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे, यहाँ चाचे और चाची जो है, अभी रात के 12 बजे इन्होंने हमें बाहर निकाला और इन्होंने कहा कि आप इधर कोई जगह नहीं, इधर हमने और भी कोई बच्चे रखने हैं। इस नाजुक से इंसान और इस मासूम इंसान के लिए इस हॉस्पिटल में क्या जगह नहीं है? मैं आलाना अफसरान से पूछना चाहूँगा कि ये एक ना इंसाफी और ना सलूक। यहाँ पे तो हर रोज़ एक एक वीडियो जो है बनती रहती है हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से गरीब आवाम जो है बहुत बिछड़ी जाती है। और यहाँ पे आप हालात देख सकते हैं, रात के 12 बजे जो है मासूमों को बाहर निकाला जा रहा है, कोई अंधेर नगरी है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है। मैं आलाना और पूरे मीडिया पर्सन से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि गरीब आवामों की खिदमत की जाए, क्योंकि ये हॉस्पिटल गरीबों के लिए बना है। यहाँ पे डॉक्टर सब बनते हैं कि हम ही सब अफसरान बनते हैं, न यहाँ पे कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ना यहाँ पे कोई कुछ है। लोग जो है दरबदर के शिकार होते रहे और आप जो है इंसानियत देखिए कि एक अभी तो ये मतलब एक दिन का भी नहीं पूरा है, अभी तो ये कुछ चंद घंटों का इंसान इस दुनिया में आया है और इसको कहने लगे कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और 10 बजे जब इनको कहने गया कि यहाँ पे हमें जो है इसको देख के हमें दे दीजिए, हम कहीं रूम करेंगे, अभी रात के 12 बजे इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, आप इस बच्चे को यहाँ से उठा लीजिए। अगर इस बच्चे को सुबह तक कुछ भी होता है, उसका जिम्मेदार पूरा ये स्टाफ रहेगा। तो मेरे अल्फाज से आपसे शुक्रिया।